गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और ज्योतिष गुरु के साथ आप बिल्कुल बने रहिए। आज आपको ये बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा इस वर्ष 2022 में क्यों खास है, कौन से ग्रहों की युति हो रही है, कौन से ग्रह अपनी मित्र राशि में हैं और इन ग्रहों का कैसा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर और आपकी दैनिक दिनचर्या पर पड़ने वाला है। इसी के साथ ही गुरु की यदि कृपा मिल जाए तो हर तरीके से जबरदस्त आपको सफलता मिल सकती है। ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं, आपको बताएंगे हर दिन की तरह दैनिक राशिफल, जिसके तहत आप जान पाएंगे कौन सा रंग आज आपके लिए बेहतर है, गुरु को क्या दान करना है, किस तरीके से गुरु के निमित्त आप पूजा अर्चना करें। और एक बात बता दूं, यदि समय से पहले हमारी माताओं बहनों के बाल सफेद होने लगे हैं तो आज उनकी सेहत में बताएंगे कि कैसे उनके बाल काले और घने हो सकते हैं। इसी के साथ ही यदि आपको थकावट की समस्या है, बहुत जल्दी आप टायर्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपको ऊर्जावान बनाने के साथ साथ स्वस्थ बनाएगी। तो ये तमाम जानकारी देंगे आपको ज्योतिष गुरु। हर दिन की शुरुआत होगी आज के दिव्य महामंत्र से। ओम अंगीर साय नमः, इस मंत्र को आप नोट करिए। आज के लिए यह मंत्र जो है अमृतमयी आपके लिए साबित होगा। ओम अंगीर साय नमः, यह मंत्र सुबह के समय 108 बार जाप करने से आपके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, आपको हर कार्य में सफलता मिल जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 13 जुलाई 2022, दिन बुधवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, इसलिए है आज गुरु पूर्णिमा। नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के मध्य। इस दिन किसी भी तरीके की इस राहु काल में आप कोई नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें, वरना आपका कार्य बिगड़ सकता है। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की तरफ जाने से आज आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं इस वर्ष गुरु पूर्णिमा की महिमा क्या है और क्यों खास होने वाली है इस बार गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उस पर गुरु पर्व मनाया जाता है, यानी कि यह जो पर्व है आज, आज ही के दिन 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार को है। और आपको बता दूं, इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्मदिवस भी मनाया जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है ये। महर्षि वेदव्यास चारों वेदों के रचयिता होने के कारण विश्व के इस ब्रह्मांड के सर्वप्रथम गुरु माने गए हैं। गुरु करते क्या हैं? भाई, गुरु हमारे मन के अंधकार को नष्ट करके प्रकाश रूपी ज्ञान हमें देते हैं और बहुत आसानी से दे देते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है। इसीलिए आज के दिन अपने गुरु की वंदना करिए, उनके चरण स्पर्श करिए और अपनी सभी परेशानियों को भूल जाइए। भाई, गुरु आप किसे बनाए? गुरु आपकी माता हो सकती हैं, गुरु आपके पिता हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपको सदमार्ग पर लाए, सही रास्ता दिखाए, आपको युक्ति सुझाए, वही है आपका महागुरु। तो ज्योतिष गुरु हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया बताने का प्रयास करते हैं। आपसे हमारा संबंध आज के दिन और ज्यादा मधुर होने वाला है, क्योंकि हम बताएंगे इस गुरु पूर्णिमा पर कैसे आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। अपने गुरु की देखरेख में किया गया कार्य आपको हर कार्य में सफल कर सकता है, सफलता के उच्च शिखर पर ले जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में सोच समझकर आप किसी न किसी को अपना गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि वो आपको सदमार्ग पर ले जाएगा, आपके हर कार्य को सफल भी जो है करा सकता है। आइए अब जान लेते हैं मेष वृष मिथुन राशि के दैनिक राशिफल को। मेष राशि, वाहन की प्राप्ति होगी, व्यापार में निवेश बहुत सोच के करें। आज के दिन अपने गुरु को कोई लाल वस्तु या लाल जो है वस्त्र आप उपहार में जरूर दें, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। वृषभ राशि, नौकरी में उन्नति होगी,
रिश्तों में सावधानी बरतें। अपने गुरु को आज के दिन कोई गुलाबी वस्तु या गुलाबी वस्त्र जो है आपको उपहार में जरूर देना है। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। मिथुन राशि, आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, परिवार में खुशी भी आएगी। अपने गुरु को मिठाई और वस्त्र आज जरूर दें। शुभ रंग है आपके लिए हरा। अब बताते हैं आपको कि इस गुरु पूर्णिमा पर अद्भुत ग्रहों का संयोग आपको कैसे सफलता देगा। भाई हर ग्रह अपनी राशि के अंदर अपने नक्षत्र में होता है, लेकिन इस गुरु पूर्णिमा पर यानी कि आज 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार के दिन ये गुरु पूर्णिमा क्यों खास होने वाली है ये समझते हैं। देखिए इस गुरु पूर्णिमा पर मंगल, बुध, गुरु और शनि के अपनी राशि में होने से और चंद्रमा के धनु राशि में होने से यह योग जो है एक अद्भुत आपको सफलता जरूर देगा। इस अद्भुत संयोग में अपने गुरु के द्वारा ली गई शिक्षा आपको अपार सफलता देगी, यानी आज के दिन किसी ना किसी को आप अपना गुरु अवश्य बनाएं। इस संयोग में अपने जीवन की परेशानी जैसे नौकरी है, व्यापार है और बहुत सारी संतान संबंधी परेशानियां हैं या जो आपकी व्यक्तिगत समस्या है उसको खत्म करने के लिए और जीवन में सदमार्ग पाने के लिए सही रास्ता चुनने के लिए आज के दिन आप किसी ना किसी को गुरु जरूर बना लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। आज के दिन अपने गुरु को वस्त्र, मिठाई, फूल और उनकी पसंद का कोई उपहार जो आपको पहले से पता हो उनके लिए जरूर लेकर जाएं। ऐसा करने से ये जो अद्भुत संयोग है आपको चारों दिशाओं से सफलता देगा, चारों ग्रहों की जो है आपको जो है उन्नति देखने के लिए मिलेगी कि ग्रह किस तरीके से आपको उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। तो हर तरीके से आप अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो आज हम किचन से लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटी सी सामग्री, वो आपको ऊर्जावान जरूर बनाएगी। सफलता का अचूक महा उपाय भी है हमारे पास, लेकिन पहले जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में आज कोई बदलाव ना करें, अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, अपने गुरु को कोई सफेद वस्त्र या वस्तु उपहार में जरूर दें। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। सिंह राशि, शाम तक शुभ सूचना आपको मिलेगी। अपनी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु, जरूरत की वस्तु संभाल कर रखें। अपने गुरु कोई नारंगी वस्तु या जो है लाल वस्त्र उपहार में जरूर दें। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। कन्या राशि, अपना काम दोपहर तक कर लें, अचानक चोट लगने से आज बच जाएंगे। अपने गुरु को आज कोई पेन या कलम या कोई वस्त्र उपहार में जरूर दीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है आपके लिए मरु। अब आपको बताते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, कैसे आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है, क्या प्रयोग करना है वो भी समझते हैं। देखिए गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह के समय सबसे पहले आप उठें, अपने स्नान के जल में कम से कम 3 चुटकी आपको हल्दी या नमक डालकर स्नान करना है। या तो आप हल्दी डालिएगा या नमक डालिएगा, दोनों को मिलाकर आप इससे स्नान ना करिएगा। हल्के पीले नारंगी वस्त्र या मेहरून रंग के वस्त्र आप धारण करें। अपने घर के उत्तर पूर्व का कोना जो कि बृहस्पति का देवगुरु का कोना कहलाता है, ईशान कोण को साफ और शुद्ध करें। एक लकड़ी के पटरे पर पीला रेशमी वस्त्र आपको बिछाना है और उस पर हो सके तो पीले फूल और चावल आसन के रूप में वहां पर आप स्थापित कर दें और वहां पर बिछा दें। अब सबसे पहले जो पहले ही आपने तैयार करके रखा हुआ है गुरु यंत्र आप वहां पर स्थापित करें। आपके पास गुरु यंत्र नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण के, श्री हरि के किसी भी स्वरूप को वहां पर स्थापित कर सकते हैं। केसर, हल्दी, चावल, पीली मिठाई, फल फूल आप यंत्र पर या फिर उस श्री विग्रह पर अर्पित कर दें। अपने दाएं हाथ में यानी अपने राइट हैंड में आपको जल लेना है और अपनी सभी समस्याओं की मुक्ति की प्रार्थना अपने गुरु से करनी है। यह जल आप जमीन पर गिरा दीजिए और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान मंगल मूर्ति का ध्यान करें, अपने गुरु का, अपने कुल गुरु का ध्यान करें और फिर आपको एक मंत्र जाप करना है। एक पीला आसन ले लीजिएगा, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग से गुरुवे नमः। इस मंत्र को आप नोट करें,
ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। जाप के बाद उस यंत्र को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। मिठाई जो आपने यंत्र पर या श्री विग्रह को अर्पित की थी, वो मिठाई जरूरतमंद लोगों में बांट दें। आज के दिन करके देखिए, अपार और जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी और गुरु की कृपा आप पर जरूर होगी। तो सफलता का अचूक महा उपाय लिए बिना आप कहीं ना जाएं। अब समय हो चला है तुला वृश्चिक धनु राशि के दैनिक राशि फल को जानने का। नया मकान खरीदने का योग है। संतान पक्ष की चिंता गुरु की कृपा से आज खत्म होगी। अपने गुरु को पेठे की मिठाई जरूर दें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। विदेश यात्रा का योग बनेगा। नौकरी में आप सफल भी होंगे। अपने गुरु को हो सके तो आज के दिन पीले फूल जरूर उपहार में दें। शुभ रंग है आपके लिए लाल। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मन की चिंता आज खत्म होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान जरूर दें। अपने गुरु को आज के दिन कोई धार्मिक पुस्तक जो है उपहार में दीजिए। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा पर कहते हैं कि दान आपको जरूर करना चाहिए। तो ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा पर किया गया दान कैसे आपके सर्व कार्य को सिद्ध कर सकता है, कैसे आपको चारों दिशाओं से सफलता मिल सकती है। और ज्योतिष गुरु के पास है सफलता का अचूक महा उपाय, वो भी आपको देंगे। लेकिन दान क्या करना है पहले वो समझते हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा पर या किसी भी शुभ महत्वपूर्ण अवसर पर किया गया दान व्यक्ति को हर कार्य में सफल कर सकता है, यही तो आप चाहते हैं। यदि आपकी कोई नौकरी की समस्या है, व्यापार नहीं चल पा रहा या रुक गया है, या फिर स्वास्थ्य की चिंता से आप परेशान हैं, संतान की, पारिवारिक कलह कलेश की, या फिर जमीन जायदाद की कोई समस्या है, तमाम समस्याओं ने आपको घेर लिया है, तो क्या करें, गुरु पूर्णिमा के दिन, आज के दिन अपने गुरु की आज्ञा लेकर आपको दान पुण्य अवश्य करना है। यदि कुंडली में गुरु दोष है, पितृ दोष है, या फिर गुरु ग्रह पापी ग्रहों से पीड़ित है, यानी गुरु पीड़ित हो चुका है, तो क्या करना है, जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, चने की दाल, गुड़, केसर और उनकी पसंद की कुछ खाद्य सामग्री आपको दान करनी है। लेकिन एक बात बता दूं, अपने गुरु के सानिध्य में आप ये करिए, चारों दिशाओं से आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं कि गुरु जो है आपको सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं, तो अपने गुरु की शरण में रहिए। और ज्योतिष गुरु अब आपको बताते हैं मकर कुंभ मीन राशि के दैनिक राशि फल को। मकर राशि, घर से कलह कलेश खत्म होगा। परिवार की सलाह जरूर लें। अपने गुरु को आज कोई पेन या कलम आप उपहार में जरूर दें। शुभ रंग है आपके लिए नीला। कुंभ राशि, उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा। व्यापार की समस्या पहले से कम होगी। अपने गुरु को आज कुछ खाद्य सामग्री, उनकी कुछ पसंद का खाना जरूर भेंट करें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। बात करते हैं मीन राशि की। गुरु की राशि है ये। अपने बड़े बुजुर्गों के आज चरण स्पर्श जरूर करें। वाहन खरीदने का योग भी दिख रहा है। अपने गुरु को आज पीला कपड़ा और गुड़ से बनी हुई मिठाई आपको भेंट जरूर करनी है। शुभ रंग होगा आज के लिए पीला। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि इस बार गुरु पूर्णिमा क्यों है खास, कौन से ग्रहों की युति आपको अपार सफलता दिला सकती है। तो अब ले ही लीजिए सफलता का अचूक महा उपाय, आपके साथ साझा कर देते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप जरूरतमंद बच्चों को लेखन सामग्री यानी कि स्टेशनरी, और जरूरतमंद जो बच्चे हैं अक्सर वो जो बीमार रहते हैं उनको दवा का दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपको चारों दिशाओं से सफलता जरूर मिलेगी। अब समय हो चला है माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान का उपाय साझा करने का। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं कि यदि ऐसा समय से पहले उनके बाल सफेद होने लगे हैं, बिल्कुल ना घबराइए। ज्योतिष गुरु आपके साथ एक छोटा सा उपाय साझा करेंगे, उसे अपनाइए। देखिए, रात में थोड़े से सूखे आंवले आप भिगोकर रखें, सुबह उन्हें उबालें और ठंडा होने पर आप उस पानी से अपना सर जरूर धोएं। ऐसा कुछ समय आप करके देखिएगा, फायदा भी होगा,
आपके बाल घने और काले जरूर होंगे। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। देखिए आज के दिन केसर का तिलक आप भगवान विष्णु को करें और उसी हाथ से उसी उंगली से उनको करने के पश्चात यानी जब आप उनको तिलक कर देंगे उसी तिलक को जो है आप अपने माथे पर जरूर करें और कंठ पर करें। ऐसा करने से आप स्वस्थ भी रहेंगी और हर तरीके से सम्मानित बनी रहेंगी। अब आपके साथ साझा करते हैं उस रसोई घर के महा उपाय को जिसको अपनाने के बाद आप ऊर्जावान हो सकते हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं। जी हां, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रसोई घर से बड़ी इलायची। कैसे प्रयोग में लानी है? भाई एक आप बड़ी इलायची लें और एक चम्मच आप शुद्ध शहद इलायची को पीस कर उसमें मिलाएं और इसका सेवन करें। ऐसा करने से थकावट आपको नहीं होगी, शरीर दर्द में स्वास्थ्य में आपको आराम जरूर मिलेगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर कैसे नवग्रह आपको सफलता दे सकते हैं, कैसे गुरु आपको सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गुरु की देखरेख में किया गया कार्य हर तरीके से सफल हो ही जाता है। तो ज्योतिष गुरु फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे।